बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मन नाफ़ियन व अक्लन कामिलन व कल्बन मुनव्वरन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मैं शुरू करना चाहता हूँ रसूल खुदा की एक हदीस के साथ। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना अल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतन नजा। इसमें जो दो वर्ड्स है इस हदीस में, मिसबाहुल हुदा और सफीनतुन नजा, हदीस एक लाइन की ज़रूर है, बस इन दो वर्ड्स ने इमाम हुसैन को 72 शहीद, 72 फॉलोअर्स, 72 उनके जो जान निसार करने वाले फॉलोअर्स जमा दिए। सफीनतुन निजा और मिसबाहुल हुदा। सफीनतुन निजा का मतलब होता है आर्क ऑफ सेल्वेशन, द बोट ऑफ सेल्वेशन, एंड मिसबाहुल हुदा का मतलब होता है द लैम्प ऑफ गाइडेंस। आप लोगों को करबला की कहानी तो मुझसे बेहतर पता होगी, बट करबला की शहीद के बारे में कितना पता है ये हम इन सीरीज में देखेंगे। कितने शहीद के नाम आप सबको पता है मुझे नीचे कमेंट्स में आप मेंशन करके बताइए, कितने शहीद के नाम आप सबको पता है। ओके, आई एम सीइंग ऑल द कमेंट्स नाज़रीन, नीचे कमेंट्स में मेंशन करके बताइए आप सबको कितने शहीदों के नाम पता है करबला के। ओके, मैं कमेंट्स में जो देख रहा हूँ, इमाम हुसैन, हजरत अब्बास, जनाब अली अकबर ग्रेट, जनाब अली असगर, हजरत कासिम, जनाब ऑन, जनाब मोहम्मद, जनाब हुर, यस। बट इन शहीदों के बारे में शायद आपको उनकी हिस्ट्री मुझसे बेहतर पता होगी। इस सीरीज का मकसद ये था कि वो शहीद जिसकी हिस्ट्री आप सबको नहीं पता है, बस आपको उनके नाम पता है, उसकी हिस्ट्री डिटेल में बताना कि उनकी लाइफ में पहले वो नॉर्मल हम आप जैसे इंसान थे, पर उनके लाइफ में क्या टर्निंग पॉइंट आया कि उन्होंने लश्कर इश्क को, इश्क के जर्नी को ज्वाइन किया इमाम हुसैन के साथ। क्या ये टर्निंग पॉइंट हमारे लाइफ में आ चुका है या आने वाला है? क्या हम इश्क करते हैं बिना इताअत के या इश्क करते हैं इताअत के साथ, ये जानना ज़रूरी है। ज़्यादातर हमारे नाज़रीन आई होप बच्चे हैं, सो मैं आपसे कम्युनिकेट करना चाहता हूँ बच्चों से। ये सीरीज़ आप सबके लिए शुरू की गई है जिसका नाम है सुपर सैटरडेज़ विद शहदा। इसमें हम आपको, इन सीरीज़ में हम आपको उन शहीदों के बारे में बताने वाले हैं जिनका नाम तो आपने शायद सुना होगा, बट जिनकी लाइफ आपने कभी नहीं सुनी है, उनकी लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट है जब वो सफ़र इश्क में जॉइंट हो गए, इमाम हुसैन के साथ जॉइंट हो गए, उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हम जानेंगे। ये जो 72 शहीद है, इनकी लाइफ से आप इतना दर्स हासिल कर सकते हैं। जैसे मेरे भाई अली रज़ा ने कहा था उसके लेक्चर में कि करबला एक दर्सगाह है, सच में ये ऐसी दर्सगाह है। 72 ये जो नंबर है ये आपको इतना दर्द दे सकते हैं कि आप उस 313 नंबर में से एक हो सकते हो अगर आप इनकी लाइफ से इंस्पायर हो। अब जनरली आप सबने सुना होगा कि किसी के जान के ऊपर प्रॉब्लम आती है तो लोग अपना माल कुर्बान कर देते हैं। यू नो, आज जो लोग हम पैंडेमिक से गुजर रहे हैं, जो कोरोना से अल्लाह ना करे किसी को हो, बट अगर किसी को होता है तो वो क्या बोलता है अपने माँ बाप को, अपने भाई को, कितना भी पैसा खर्चा हो इसे ठीक करना है, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। जब जान के ऊपर बात आती है तो लोग अपना घर बेच देते हैं, लोग अपना माल कुर्बान कर देते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट होती है जान। और इस जान को करबला के मैदान में इतना हल्का माना गया कि लोग इमाम हुसैन पे जान देने के लिए पहले आ रहे थे, पहले मैं जाऊँगा। लाइक इससे इतना दर्स मिलता है कि जो चीज़ लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं लोग, उस चीज़ को देने के लिए लोग लाइन लगा रहे हैं कि पहले मैं जाऊँगा। ये दर्सगाह है करबला। हम शुरू करना चाहते हैं, ये एक इंट्रोडक्शन था इस सीरीज़ का, अब शुरू करते हैं हमारी सीरीज़। शुरू करने से पहले 72 शहीद, इनमें से थोड़े नाम तो हमने स्टार्टिंग में देख लिए जो आपने कमेंट्स में बताए, बट पूरे 72 शहीदों के नाम ये पहले आपको बताना ज़रूरी है। मैं आपको नहीं बताऊंगा जी, आपको बताएंगा।
निकाब जुनादा बिन हारिस सईद बिन हारिस ज़ुहैब बिन क़ैन सैफ बिन मालिक नुमान बिन उमर नाफे बिन हिलाल सलमान बिन मज़ारिब अली बिन हुर मुसअब बिन आही सवार बिन उमर उमर बिन जुल्दब ज़रआमा बिन मालिक असरम बोरहाने तुर्की इमरान बिन काब हारिब बिन अब्दुल्ला मुस्लिम बिन कसीर नईम बिन अजलान अब्दुल्ला बिन सबी उमर बिन खालिद सईद बिन अब्दुल्ला जाबिर बिन हजार बकर बिन हई अजाद बिन मसरूर अब्दुल्ला बिन मुस्लिम मोहम्मद बिन मुस्लिम जाफर बिन अकील अब्दुल रहमान बिन अकील अफशा बिन कैस साहिब बिन उम्र सबैद बिन उम्र नसर बिन अबी नजर अब्दुल्ला बिन उमर उम्र बिन अंसारी हबा बिन अमी हबा बिन हारिस हारिस बिन बिनहान जुंदब बिन हजीर अमार बिन अबी सलामा मुंजह बिन सहीम मोहम्मद बिन सईद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला खान बिन अब्दुल्ला कासिम बिन हसन मोहम्मद बिन हसन मोहम्मद बिन अली अब्दुल्ला बिन अली इमरान बिन अली जाफर बिन अली अब्दुल्ला बिन हसन बेसा करके बोलना अब्बास बिन अली अब्बास बिन अली अब्बास बिन अली अब्बास बिन अली अली असगर अली असगर अली असगर अली असगर अली असगर अली असगर माला हुसैन माला हुसैन माला हुसैन माला हुसैन सलामत रहें। तो आज हम जिस शहीद के बारे में बात करने वाले हैं वो उनकी लाइफ से हम बहुत ही इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि कैसे दो सेकंड एक इंसान की लाइफ चेंज करने के लिए सही होते हैं, बस होते हैं दो सेकंड, दैट लाइफ चेंजिंग सेकंड्स, ये अपनी हमारी लाइफ में आ चुके हैं या आने वाले हैं, यू कैन डिसाइड। तो आज हम जिस शहीद की हिस्ट्री जानने वाले हैं ही इज नन अदर देन जनाब वहाब कलबी। अगर मैं आपसे कहूँ कि करबला में जब वो लड़ने आए इमाम हुसैन के साथ, उसके लड़ने के 10 दिन पहले तक वो मुस्लिम ही नहीं थे, तो क्या आप शॉक हो गए इससे? यस, ही वॉज अ क्रिश्चियन हु गॉट कन्वर्टेड बाई सीइंग द कैरेक्टर ऑफ इमाम अल हुसैन। शुरू से शुरू करते हैं। जनाब वहाब कलबी एक ऐसी ट्राइब के थे जिनका नाम था खाने बदूश। खाने बदूश का मतलब क्या होता है? खाने बदूश मतलब एक ऐसी ट्राइब जो रहती है टेंट्स के अंदर। जनरली दे डोंट गो एंड बाय हाउसेज, वो हाउस के अंदर नहीं रहती है, टेम्प्ररी हाउसेज टेंट्स लाइक जो रेगिस्तानों में डाले जाते हैं, उन्हें कभी भी हाउस के अंदर सुकून नहीं मिलता है, वो प्रेफर करते हैं हम टेंट्स के अंदर रहे, टेम्प्ररी लोकेशंस पे रहे। जनरली जब आप ईरान और इराक जाते हो गए तब आपको रस्ते में दिखते हो गए अलग अलग छोटे छोटे टेंट्स डाले हुए, उसमें फैमिलीज रहती है। सो ये वही कौम है खाने बदूश। ये उस कौम से बिलोंग करते थे। अब ये क्रिश्चियन थे, उनकी कौम अलग थी, नसरानी थे, नसरानी एज इन वो कौम का नाम है, ग्रुप का नाम। सो ये इमाम हुसैन से कहाँ पे मिले, वो सफर इश्क में ज्वाइन कहाँ से हुए? आप सबको एक क्वेश्चन आ रहा होगा, राइट? ये एक रेगिस्तान में रह रहे थे, इनके मॉम जनाब वहाब कलबी और उनकी एकदम नई नई शादी हुई थी, तो उनकी वाइफ के साथ वो टेंट में रह रहे थे। इमाम हुसैन का काफिला जब करबला की तरफ जा रहा था, तो ऑब्वियसली करबला की तरफ जा रहा था तो रास्ते में बहुत सारे डेजर्ट्स, बहुत सारे रेगिस्तान आए, सफ़र बहुत लंबा था। तो जब इमाम हुसैन जा रहे थे तो उन्हें एक टेंट दिखा एक बयाबान में, एक रेगिस्तान में। सो इमाम हुसैन उस टेंट की तरफ गए और नॉक किया, तो अंदर से एक लेडी बाहर आई। वो लेडी कौन थे? वो लेडी थे जनाब वहाब कलबी के मदर। जनरली जनाब वहाब कलबी के मदर को कोई उनका नाम इतना नहीं जानता है, उन्हें सब कहते हैं उम्मे वहब। जैसे अगर आपने मुख्तारनामा देखा होगा उसमें भी इसे कहा गया है उम्मे वहब, इनका नाम बहुत ही कम जाना गया है। उम्मे वहब क्यों? इनका बेटे का नाम वहब था, इनके बेटे ने ऐसा काम कर दिखाया करबला में कि इनकी माँ को उनके नाम से जाना गया हिस्ट्री में, उम्मे वहब। हम सब ये उम्मीद करते हैं कि आप सब भी, हम सब भी इंशाल्लाह 313 में शामिल हो गया और हमारे माँ का नाम ऐसा करेगी कि वो हमारी हमारे नाम से पहचाना जाए, उम्मे हसन, उम्मे हुसैन, उम्मे मोहम्मद, उम्मे अब्बास, जो भी ये नाज़रीन ये चैनल देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं। उम्मे वहब उनका रियल नाम क्या था? उनका रियल नाम था कमर। सो बीबी कमर जब बाहर आए उनके टेंट से, खेमे से,
सो इमाम हुसैन ने कहा कि आपको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? इस चीज़ के ऊपर मुझे बहुत अच्छी हदीस याद आई है। जनरली हम रुकते हैं कि कोई हमसे हेल्प मांगेगा तब हम करेंगे। मैं क्यों पहले हेल्प करने जाऊँ, मैं क्यों डोट डाया बनूँ, कहते हैं हम, राइट? बट इमाम हुसैन ने ये प्रूव करके दिखाया, जब कोई आपसे हेल्प मांगता है तब तो इंसान शर्म के मारे भी कभी हेल्प कर देता है, लेकिन सामने से हेल्प ऑफर करना, ये तरीका था अहलुल बैत का, ये तरीका हमें सीखना है। कोई अगर मुश्किल में है, अगर नहीं भी है, आपको लगता है कि उसे हेल्प की जरूरत होगी, सामने से गो एंड ऑफर देम हेल्प। दिस इज द लेसन्स वी लर्न फ्रॉम द लाइफ ऑफ इमाम अल हुसैन। इमाम हुसैन ने कहा कि आपको मेरी हेल्प की जरूरत है? सोने ने कहा नहीं, मुझे किसी हेल्प की जरूरत नहीं है, बस एक हेल्प चाहिए। बोले क्या? उन्होंने कहा कि मेरे बेटे की अभी भी शादी हुई है और वो और उसकी वाइफ बाहर घूमने गए कहीं पे चंद घंटों के लिए, और यहाँ पे पानी का कुछ इंतजाम नहीं है, सो अगर आप मुझे पानी का इंतजाम कर दे तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार होगी। सो अब थे सामने इमाम हुसैन, और सामने थे इमाम हुसैन, तो जब जनाब इस्माइल पैर मार के पानी का फवारा निकाल सकते हैं, तो क्या इमाम हुसैन इशारे से नहीं निकाल सकते? तो इमाम हुसैन ने क्या किया, एक कंकर रेगिस्तान में पड़ा हुआ था, छोटा पत्थर, पता है हम जाते इतनी हवा चलती रहती है, एक पत्थर पड़ा हुआ था रेगिस्तान में, डेजर्ट में, मट्टी में, तो वहां पे पत्थर पड़ा हुआ था, पत्थर रखा हुआ था। तो इमाम हुसैन ने अपनी तलवार निकाली और तलवार से उस पत्थर को हटाया, सो ऐसा लगा कि वो पत्थर पानी को रोके रखा हुआ था, जैसे पत्थर हटाया वहां से पानी का फवारा निकला, ऐसे फवारा निकला जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आप किसी सोडा की बोतल को हिलाते, जब आप बोतल खोलते तो कैसे लगता है कि सोडा निकलने के लिए इंतजार कर रहा था और निकल के बाहर आता है, उस तरह से पानी भी रेडी था, कब इमाम हुसैन की तलवार मुझे लगे और मैं यहां से निकलूं, वैसे पानी का फवारा बाहर निकला। और जब उसने ये देखा कि ये पत्थर जो अभी यहां पे आया, और ये कौन सी शख्सियत है जिसने अपनी तलवार से इसे उठाया और रेगिस्तान में डेजर्ट में पानी का फवारा निकल गया, सो उसे लगा ही इज समवन नोबल, ही इज अ गॉडली मैन, ही इज समवन नोबल। फिर तो बीबी कमर ने कहा कि क्या मैं आपकी किसी तरह से हेल्प कर सकती हूँ, क्या मैं आपकी किसी तरह से यूज आ सकती हूँ? सो इमाम हुसैन ने कहा कि आपका बेटा जब घर आएगा जनाब वहाब, सो उसे कहना कि मैं एक जर्नी पे निकला हूँ इनजस्टिस के खिलाफ, टिरेनी के खिलाफ, जो जालिम रूलर है यजीद उसके खिलाफ, वो जो दीन के अंदर फैब्रिकेशन ला रहा है उसके खिलाफ, सो क्या वो मुझे मेरे इस जर्नी में मुझे ज्वाइन करना चाहता है, तो क्या वो मेरी नुसरत करना चाहता है, तो उसे आप ये पूछना। तो बीबी कमर ने कहा ओके, फिर और ये पैगाम देखे कि आपके बेटे को पूछना क्या वो मेरी हिमायत करना चाहता है, क्या वो मेरी नुसरत करना चाहता है, ये पैगाम देखे इमाम हुसैन वहां से रवाना हो गए अपनी जर्नी पे। फिर जब जनाब वहाब और उनकी वाइफ रिटर्न आए, उनकी वाइफ का नाम था बीबी हानिया, जब वो लोग दोनों रिटर्न आए, तब इसमें नाज़रीन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी वाइफ का रोल और उनके हस्बैंड का रोल तो इंपॉर्टेंट है ही, बट उनकी वाइफ का रोल कितना इंपॉर्टेंट है ये हम इस किस्से से सीखे गए, कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सिलेक्ट अ स्पाउस करेक्टली, कि उनकी वाइफ ने क्या रोल अदा किया, हम आगे देखते हैं। जब जनाब वहाब और जनाब हानिया उनकी जर्नी से जब रिटर्न आए, तो उनकी मॉम ने, बीबी कमर ने उनसे कहा कि ऐसे ऐसे एक शख्स आया था, और उस शख्स ने आके मुझे कहा कि मैं ये हूँ, मैं हुसैन हूँ, और क्या आपका बेटा मेरी हिमायत करना चाहता है? सो जनाब वहाब ने कहा चलो एक बार हम उनसे मिल के आते हैं। सो बीबी हानिया, बीबी कमर और जनाब उम्मे वहाब इमाम हुसैन से मिलने गए। ये थी पहली रिवायत, बट एक और रिवायत है, जिस रिवायत में कहा गया है कि जब जनाब वहाब कल्बी और उनकी माँ बीबी कमर का टेंट सलबिया नाम की एक जगह पर था, सलबिया एक जगह का नाम है जहाँ पे इनका टेंट लोकेटेड था। तो जब इमाम हुसैन का काफिला जा रहा था एक रेगिस्तान में, बयाबान में, इतना बड़ा काफिला जिसमें बच्चे भी थे, जिसमें लेडीज भी थी, जिसमें जवान भी थे, सो जनाब वहाब कल्बी ने इस काफिले को देख के सोचा कि इतने धूप में, इतने डेजर्ट में, इतने बयाबान में, इस टाइम पे कौन पूरी फैमिली लेके बाहर जाता है, कौन है ये? तो वो जनाब वहाब कल्बी इमाम हुसैन के काफिले की तरफ गए और उनसे पूछे आप कौन हो? तो इमाम हुसैन ने कहा कि मैं हुसैन इब्ने अली हूँ, हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब, और मैं एक जर्नी पे निकला हूँ अपने वक्त के जो रूलर है यजीद उसके खिलाफ, इनजस्टिस के खिलाफ, टिरेनी के खिलाफ, वो जो
इस्लाम में फैब्रिकेशन ला रहा है, मिंबर पे बंदर को बिठाना और ये सब करना, शराब अलाउड करना, उस सब के खिलाफ कि ये शरीयत में नहीं है। तो उसने कहा ओके अल्लाह आपको आपके मकसद में फतह दे। और वहाँ से इमाम हुसैन चले जाते हैं और वहाँ से हजरत वहाब कल्बी अपने टेंट की तरफ आ जाते हैं। फिर जब वो टेंट की तरफ आते हैं तो टेंट के अंदर जाते हैं और अपनी माँ से कहते हैं कि माँ एक काफिला जा रहा था। उनकी माँ ने कहा अच्छा किसका काफिला था? तो उन्होंने कहा कि ये काफिला था हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब का। तो उनकी मादर गिरामी ने कहा, रोने लगी उनकी मादर गिरामी, बहुत रोने लगी। तो जनाब वहाब ने कहा क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो, अचानक रोने लगे? तो उनकी माँ ने कहा तुझे पता है कि हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब कौन है? तो उन्होंने कहा नहीं। बोले ये जो अली इब्ने अबी तालिब है जिनके बेटे से तूने आज मुलाकात की, अली इब्ने अबी तालिब वो रीजन है कि आज तू जिंदा है। तो जनाब वहाब ने कहा अच्छा क्या हुआ था? तो इन्होंने कहा जनाब वहाब कल्बी की माँ ने कि मैं तुझे किस्सा सुनाती हूँ जब तू मेरे पेट में था। क्योंकि मादर गिरामी ने कहा कि उस टाइम जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मुझे एक ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी जब डॉक्टर्स ने कहा, बड़े बड़े डॉक्टर्स ने, हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स ने, कि या तो आपका बच्चा जिंदा रहेगा या तो आप जिंदा रहोगे, आप लेबर में एक जन गुजर जाएगा। तो उनके डैड बहुत परेशान हो गए जनाब वहाब कल्बी के। जनाब वहाब कल्बी के डैड का नाम था जनाब अब्दुल्ला। तो अब्दुल्ला बहुत परेशान हो गए हजरत अब्दुल्ला कि क्या होगा या अल्लाह। तब जनाब अब्दुल्ला ने कहा, और वो क्रिश्चियन थे, वो जो एरिया में रहते थे उस टाइम के हुक्मरान थे इमाम अली और वो क्रिश्चियन थे उस टाइम पे। सो रूल था एक मुस्लिम का, मुस्लिम एरिया और उसमें वो क्रिश्चियन थे। तब उन्होंने कहा मैं कैसे किसी मुस्लिम की हेल्प लूँ जाके, क्या कोई करेगा मेरी हेल्प? तब वो आए इमाम अली के पास। वो इमाम अली को जानते थे उनकी जस्टिस के वजह से, उनके अदल के वजह से। तो उन्होंने इमाम अली को आके बोला कि या अली मैं हूँ क्रिश्चियन, मैं हूँ नसरानी, मैं हूँ ईसाई, आप हो अली आप हो मुस्लिम, बट मेरी वाइफ लेबर में है, मेरा बच्चा पेट में है, डॉक्टर्स ने कहा है या तो बच्चा जिंदा रहेगा या तो माँ, आप प्लीज़ मेरे लिए दुआ कर दो, हेल्प कर दो। तो इमाम अली ने कहा बिल्कुल क्यों नहीं। और इमाम अली की उस दुआ के वजह से, हेल्प की वजह से, जनाब वहाब कल्बी की नॉर्मल डिलीवरी हुई एकदम परफेक्टली फाइन। उनकी माँ भी जिंदा थी और वो भी जिंदा थे। ये माइंड में क्यों आया जनाब वहाब कल्बी के डैड के मुस्लिम हुक्मरान है सो, और ये मुस्लिम एरिया है और मैं क्रिश्चियन हूँ, फिर भी उन्होंने जाके इमाम अली की हेल्प मांगी? हाउ वाज ही सो कंफर्टेबल टू गोइंग टू इमाम अली? ये एग्जांपल मैं आपको आज का देता हूँ। आज यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने 1997 में उन्होंने एक प्रेस रिलीज में, ऑफिशियल प्रेस रिलीज में, प्रेस के सामने, आप आर्टिकल आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, दिस इज योर ऑफिशियल वेबसाइट, इस पे उन्होंने रिलीज किया है कि द बेस्ट रूलर इन द वर्ल्ड, द मोस्ट जस्ट रूलर इन द वर्ल्ड इज इमाम अल अली, ही वाज द रूलर। एंड उन्होंने एक लेटर लिखा था जनाब मालिक अश्तर को, वो लेटर इन्होंने अपने प्रेस रिलीज में, उस जो ऑफिशियल कमांडर है, द ऑफिशियल कमिश्नर जिन्होंने प्रेस रिलीज किया, हिज नेम इज अफनान, आई थिंक इट्स अफनान, या आपको नेम इस प्रेस रिलीज में मिल जाएगा। आपको अगर इस प्रेस रिलीज को देखना है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मेंशन कर दूंगा। इस प्रेस रिलीज में इमाम अली का जो लेटर जनाब मालिक अश्तर को इमाम अली ने भेजा था, यूएन कहती है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, के हर कंट्री को इस लेटर को एक एग्जाम्पल लेना चाहिए कि आप पॉलिटिकली कैसे जस्ट तरीके से रूल कर सकते हो। अगर नाजरीन वर्ल्ड में कोई बेस्ट पॉलिटिशियन रहा है जो साफ सुथरी बेस्ट अदल से पॉलिटिक्स कर सकता था तो वो थे इमाम अली। तो ये जो लेटर था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, इसमें इमाम अली ने जो मालिक अश्तर में मालिक अश्तर को लेटर लिखा, उसमें इमाम अली ने क्या लिखा उन्हें, उसमें इमाम अली ने लिखा उन्हें कि या मालिक अश्तर, आपकी इमेज मेरे दिमाग में बहुत अच्छी है, ऐसा कोई काम न करना कि मैं फोर्स हो जाऊं उस इमेज को चेंज करने के लिए। ए मालिक अश्तर, दो तरह के भाई होते हैं, एक हमारे भाई जो रिलीजन में हमारे भाई है मुस्लिम है, और दूसरे भाई जो इंसानियत में हमारे भाई है, क्रिश्चियन है, हिंदूज हो गए, ईसाई हो गए, ज्यूज हो गए, वो हमारे इंसानियत में भाई है, उनके ऊपर भी तुम्हारे कुछ राइट्स है, उनसे कभी भी गाफिल मत हो जाना। ये जो वर्ड्स इमाम अली कहते हैं, द वर्ड्स ऑफ विजडम, ये हम नहीं समझ पाए बट यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने उनकी वेबसाइट पे इस प्रेस रिलीज को रिलीज किया है
और प्रेस के सामने उन्होंने कहा है कि दिस वॉज द लेटर, दिस वॉज द मोस्ट जस्ट रूलर इन द होल वर्ल्ड इमाम अली, एंड इनकी लाइफ से आज हर पॉलिटिकल लीडर को कुछ सीखना चाहिए। काश इनकी लाइफ से हर पॉलिटिकल लीडर अगर कुछ सीख जाता तो आज दुनिया ऐसी ना होती जैसी आज है। और इमाम अली जैसी पॉलिटिक्स, इमाम अली जैसा रूलिंग आज कोई कर सकता है तो इस जमाने का आखिरी अली है। हम सब दुआ करते हैं या अल्लाह उस आखिरी अली के जहूर में जल्दी फरमा, और जो यूएन ने लेटर लिखा है उस लेटर को हमें रियल में देखने का, कि इमाम जमाना जब आएंगे तो रियल में रूल कैसे करेंगे उसे देखने का नसीब फरमा इलाही अमीन। ओके, आते हैं फिर से हमारे टॉपिक की तरफ, हम बहुत डिवेट हो गए थे। कि जब उन्होंने कहा जनाब वहाबे कल्बी के माँ ने, बीबी कमर ने, कि ऐसे ऐसे हुआ था और ये बहुत ही गॉडली पर्सन है इमाम हुसैन, सो हमें इससे मिलना चाहिए और मुझे चाहिए कि तू इनकी हिमायत कर, मैं तेरे से तब तक प्राउड नहीं होगी जब तक इनके मकसद के लिए तू अपनी जान कुर्बान नहीं करता है, ये इतने ऐसे पर्सन है। सो जनाब वहाबे कल्बी ने कहा ऐसे पर्सनालिटी से तो लाइक यू नो आप कभी मिलते हो लेकिन आपको उसकी पर्सनालिटी के बारे में बाद में पता चलता है कि ये कौन है, किसके बेटे है। सो उनका पूरा फैमिली जनाब वहाबे कल्बी की इमाम हुसैन के खेमे की तरफ चली गई, उनसे मिलने चली गई। तो जब जनाब वहाबे कल्बी, उनकी वाइफ और उनके माँ बीबी कमर जब इमाम हुसैन से मिलने गए, इमाम हुसैन से मिलने के बाद उनकी पर्सनैलिटी, उनका अखलाक, उनका कैरेक्टर देखने के बाद और उनसे बात करने के बाद जनाब वहाबे कल्बी ने कहा कि आई हैव नेवर सीन सच अ गॉडली पर्सन लाइक यू। आज जो इमाम ज़माना कहते हैं हम शियाओं को कि आप हमारे लिए बाई से जीनत बनो, बाई से जिल्लत नहीं, दैट इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट है। ऐसा कैरेक्टर पेश करना है कि लोग पहचाने कि शिया कौन है हमारे कैरेक्टर से, लोग अट्रैक्ट हो हमारे रिलीजन की तरफ, ऐसी चीज़ करना है। तो जनाब वहाबे कल्बी ने कहा कि मुझे कन्वर्ट होना है, मुझे आपके रिलीजन पे आना है, मुझे आप जैसा बनना है, मैं आपका फिदाई हो गया हूँ, मैं आपका आशिक हो गया हूँ। दिस वॉज हिज टर्निंग पॉइंट, दिस वॉज हिज पॉइंट व्हेन हिज एंटायर लाइफ चेंज, और हिस्ट्री में आज उनको हर जगह याद किया गया है। ये एक वीडियो नहीं है, आप अगर यूट्यूब पे जाके सर्च करो उनके हजारों वीडियोस आपको मिलेंगे, हजारों लोग बुक्स लिखते हैं उनके ऊपर, हजारों लोग उनके ऊपर शायरियां लिखते हैं। ही बिकेम अ सुपर इन द एंटायर हिस्ट्री, हिस्ट्री के लोग उन्हें याद करते बिकॉज ऑफ दिस 2 seconds, ये 2 seconds ऑफ टर्निंग पॉइंट। उन्होंने कहा मुझे आपका फिदाई बनना है, मुझे कन्वर्ट करा, मुझे आपको सपोर्ट करना है आपके जर्नी में। उन्होंने कलमा पढ़ाया, उनकी फैमिली कन्वर्ट हो गई। फिर उसके बाद उनकी वाइफ, ये टॉपिक शायद हम भूल गए थे, मैंने स्टार्टिंग में कहा था उनकी शादी को बहुत कम टाइम हुआ था, किसी रिवायत में 7 दिन 10 दिन हुआ था, किसी रिवायत में है 1 महीना या 2 महीना हुआ था, वेरी लेस टाइम। सो उनकी वाइफ ने कहा कि ए वहब क्या तुम जाओगे तो तुम वापस तो आओगे ना, तो वहब ने कहा कि सामने लश्कर है लाखों का और यहाँ पे हम है बस 72 या उससे भी कम, मैं अगर जाऊँ तो मेरा वापस आने की कोई उम्मीद नहीं है। तो उनकी वाइफ रोने लगी, उनकी वाइफ ने कहा मत जाओ, ऐसे मुझे छोड़ के मत जाओ, बहुत रोई उनकी वाइफ, बहुत रोई। फिर उसके बाद उनकी वाइफ ने आके कहा कि आप चले जाओ। तो जनाब वहाबे कल्बी ने पूछा कि ऐसा क्या आपके साथ हुआ कि आप थोड़ी देर में आप मुझे कह रहे हो चले जाओ जबकि आप पहले रो रहे थे मत जाओ। तो उनकी वाइफ ने कहा ये जो वर्ड्स है, ये जो वर्ड्स उन्होंने कहा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन एंटायर हिस्ट्री, सारे खवातीन को इस वर्ड को खास नोटिस करना है, मर्द को, खवातीन सब लोगों को। उनकी वाइफ ने आगे उनसे कहा कि मैं नहीं चाहती कि अगर आप बच जाओ, आप नहीं जाओ और इनके बच्चे जो आज अल्लाह तश की सदाएं दे रहे हैं, इसमें मैं नहीं चाहती कि मैं इन सदाओं को सुनूं, इनके टीयर्स को सुनूं, इनके रोने को सुनूं और मैं अपने आप को ब्लेम करूं। अली के बेटे, मोहम्मद के बेटे, फातिमा के बच्चे रोए, अगर तुम जाके एक इंसान को भी, 10 इंसान को भी कत्ल करते हो और अगर इन्हें थोड़ा टाइम मिल जाता है, मैं खुश हूँ उससे, मुझे चाहिए आप जाओ हुसैन के ऊपर फिदा होके आओ, बट मुझे आपसे 2 प्रॉमिस चाहिए। तो उन्होंने कहा क्या प्रॉमिस चाहिए आपको, 2 प्रॉमिस। उनकी वाइफ ने कहा एक प्रॉमिस मुझे आपसे चाहिए और एक इमाम हुसैन से चाहिए। तो उन्होंने कहा क्या, तो उनकी वाइफ ने कहा एक प्रॉमिस आप मुझे ये दो कि आप मुझे इजाज़त दो कि आपके शहीद होने के बाद मैं बीबी जैनब के साथ ज्वाइन हो जाऊँ और उनके साथ जहाँ चाहिए वहाँ जाऊँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। और दूसरा प्रॉमिस, तो उन्होंने कहा दूसरा प्रॉमिस मैं आपको नहीं बताऊंगी, आप आपके आका इमाम हुसैन को मेरे सामने लाओ, मैं उनके साथ बात करके फिर मैं प्रॉमिस लूंगी आपसे। तो जनाब वहाबे ने कहा ऐसा क्या प्रॉमिस है, उन्होंने कहा आप लाओ। तब इमाम हुसैन आए, जनाब वहाबे कल भी आए। उनकी वाइफ ने कहा कि या इमाम हुसैन
मुझे चाहिए कि जब वहब शहीद हो जाए सो शहादत के बाद मैं इनसे ये वादा चाहती हूँ कि ये किसी हुर को चूज ना करे और ये वादा करे कि ये मेरे लिए वेट करेंगे और सिर्फ मुझे ही जन्नत में अपनी वाइफ बनाएंगे। सो इमाम हुसैन ने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, बस मुस्कुराया। इमाम की मुस्कुराहट के पीछे जो हिकमत होती है वो हम नहीं समझ सकते। जैसे स्टोरी आगे जाएगी हम समझेंगे कि इनकी मुस्कुराहट के पीछे क्या रीज़न था। इमाम ने बस एक स्माइल दी, फिर स्टोरी आगे बढ़ी। फिर जब लोगों ने हमला किया, एक एक करके सारे लोग शहीद हो गए, फिर जनाब वहाब कल्बी आ गया। उन्होंने कहा कि या इमाम हुसैन, मैं जाना चाहता हूँ, मैं अपने आप के ऊपर आपको शहीद करना चाहता हूँ। सो इमाम हुसैन ने कहा कि वहाब कल्बी, आपकी वाइफ तो मना कर रही थी। तो इमाम हुसैन ने कहा, नहीं आका, मेरी माँ आप पे कुर्बान हो, मेरी फैमिली आप पे कुर्बान हो, मैं आप पे शहीद होना चाहता हूँ। इमाम हुसैन ने उन्हें इजाज़त दी। फिर जना में वहाब कल्बी जब लड़ने गए, इनकी जंग अगर आप देखो जनाब वहाब कल्बी की या किसी भी शहीद की, आपको रियल में पता चलेगा ये जंग जीतने के लिए नहीं कर रहे थे, ये जंग मरने के लिए कर रहे थे, ये जंग शहीद होने के लिए कर रहे थे। इनका एम था शहादत, इनको डर नहीं था कि मुझे कहीं से कुछ लग गया। इनका जैसे अगर आप इनकी जंग देखो, जो सामने वाले लड़ रहे थे वो लोग बच रहे थे कि कहीं हमें कुछ तलवार ना लग जाए। इनका एम था हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कत्ल करें और इमाम हुसैन को बताएं कि हम आपसे कितना इश्क करते हैं। ये उन लोगों में से थे जब मशाल इमाम हुसैन ने बुझा दी टेंट की, अंधेरा हो गया, तभी ये वहां पे रहे और बताया कि हम आपके लिए है। तो जब इमाम हुसैन के लिए जब ये लड़ने गए, इन्होंने सैकड़ों, मोर देन 100 यजीदियों को वासिले जहन्नम किया। इनकी जंग देखने लायक है, ऐसी ब्रेवरी। ये नसरानी खानदान से थे, इनका खानदान माना जाता था ब्रेवरी के लिए, ब्रेव होने के लिए। ही वाज सो ब्रेव, नॉट ओनली ही, हिज मदर, हिज वाइफ, दे वर सो ब्रेव। जब इन्होंने जंग की, तब शिमर ने देखा, शिमर ने कहा कि इसे मारना पॉसिबल नहीं है, मेरे सारे सोल्जर मर जाएंगे, बट इश्क की जो जंग होती है उसके सामने हर हथियार ढीला पड़ जाता है। ये लोग इश्क से लड़ रहे हैं, ये लोग डरते नहीं। सो शिमर ने अपने गुलाम रुस्तम को कहा कि तू जा पीछे से और धोखे से इसके हाथ काट दे, क्योंकि जब तक हाथ इसके इश्क में चलते रहेंगे इसे कोई नहीं मार सकता है। सो शिमर ने अपने गुलाम रुस्तम को भेजा और जनाब वहाब कल्बी के हाथ काट दिए। जब उनके हाथ कटते हुए उनकी वाइफ ने देखा तो उनकी वाइफ का दिल फट गया। उनकी वाइफ गुस्से में आ गई। उनकी वाइफ ने जो टेंट का बाम्बू रहता है वो उठाया, बैम्बू ऑफ द टेंट, और वो हेल्प करने चली गई। उनकी वाइफ ने, रिवायत में है, दो यजीदियों को एक लेडीज ने वासिले जहन्नम किया, तलवार से नहीं, एक बाम्बू से। सी द ब्रेवरी ऑफ देम, एक बाम्बू से दो यजीदियों को वासिले जहन्नम किया। उसके बाद इनकी वाइफ को भी शहीद कर दिया गया और जनाब वहाब कल्बी को भी शहीद कर दिया गया। इतना ही नहीं, ये तो हमने उनकी वाइफ के बारे में और जनाब वहाब कल्बी के बारे में देखा कि इन्हें शहीद कर दिया गया। तो नाज़रीन, मैंने आपसे स्टार्टिंग में जो कहा था कि जब उनकी वाइफ ने, बीबी हानिया ने आके इमाम हुसैन से कहा था कि वहाब मुझसे वादा करे कि जन्नत में ये कोई और हुर को सिलेक्ट ना करे, जन्नत में ये दाखिल ना हो मेरे बिना, इमाम हुसैन ने स्माइल किया था। अब हमें पता चल रहा है कि इमाम हुसैन ने क्यों स्माइल किया था, क्योंकि जन्नत में जनाब वहाब अकेले दाखिल हो गए ही नहीं, उनकी वाइफ उनके साथ दाखिल होगी, उनकी वाइफ उनके साथ दाखिल होगी जन्नत में, और वो भी शहीद होने वाले थे। ये इमाम हुसैन को पता था, गैब का इल्म था। हम अब देखते हैं इनकी मॉम के बारे में। जब इन्हें शहीद कर रहे थे तब इनकी मॉम जनाब कमर, बीबी कमर को बहुत बहुत गुस्सा आया, तब बीबी कमर भी इनकी तरफ भागी कि मैं भी इनकी हेल्प करूँ, बिकॉज ये उन खानदान में से थे जो शुजात के लिए जाने जाते, शुजात के लिए जाने जाते थे, ब्रेवरी के लिए जाने जाते थे। बट इमाम हुसैन ने कहा, नहीं कमर, लेडीज पे जंग साकित है, तू मत जा। जितना भी इश्क हो, जितना भी गुस्सा हो, जितनी भी चीज़ें हो, लेकिन वो इश्क ही क्या जिसमें इतात ना हो। इसके लिए उन्होंने इतात किया और रुक गए और वो नहीं गए। फिर जब जनाब वहाब कल्बी को शहीद कर दिया गया, शिमर मलून ने, शिमर पे लानत, शिमर मलून ने जनाब वहाब कल्बी का सर कटवाया और उनके सर को इनकी माँ के लिए भिजवाया गया, बीबी कमर के लिए। तो इनकी माँ ने जब उस बेटे का सर देखा, तो क्या करना चाहिए जनरली माओं को अगर अपने बेटे का सर देखे कटा हुआ? तो आप देखते होंगे बहुत सारे लोग जिनके बच्चे, जिनके भाई मर जाते हैं, उनकी एक एक घड़ी संभाल के रखते हैं, एक एक पार्ट जो उनका है संभाल के रखते हैं कि नहीं ये मेरे बेटे का है, ये को बहुत संभाल के रखूंगी। अगर आपके बेटे का सर आपके सामने है तो आप क्या करोगे, सोचो आप।
इनकी मॉम ने क्या किया, इनकी मॉम ने उस सर को उठा के वापस शिमर के पास फेंक दिया और कहा कि हम आशिके हुसैन हैं, हम हुसैन की राह में दी हुई चीज, अली की राह में दी हुई चीज, खुदा की राह में दी हुई चीज कभी वापस नहीं लेते। और उन्होंने अपना बेटा कुर्बान कर दिया। और फिर ये थी बीबी कमर की कहानी कि बेटा जितना भी शुजात हो, इमाम का आशिक हो, बेटा नहीं हो सकता जब तक माँ ना हो। अगर आज आपके दिल में ये स्टोरी सुन के इमाम हुसैन का इश्क जागता है तो आपकी माँओं का शुक्र अदा कीजिए। दीज मदर्स आर द रियल सुपर हीरोज जिन्होंने आपको इस तरह से गाइड किया, इस तरह से पाला कि आप इमाम हुसैन के आशिक बने हो। अब अगर आप इस वीडियो देखने के बाद एक आंसू भी बहाते हो, इसमें आपका नहीं आपकी माँ की हिमायत है, आपकी माँ ने आपको इस तरह से पाला है कि आप इस तरह से आशिक हुसैन बने हो। सो ये थी कहानी जनाब वहाब कलबी की। आई थिंक मैं तो इससे बहुत इंस्पायर हुआ, मुझे इससे बहुत सीखने मिला है। क्या सीखने मिला है कि लाइफ में कोई भी चीज़ हो, कोई भी फैमिली हो, कोई भी माल हो, वो कभी भी इमाम हुसैन से अहले बैत से ऊपर नहीं है। फैमिली इज़ नेवर मोर इम्पॉर्टेंट दैन इमाम हुसैन और अहलुल बैत। इमाम हुसैन इज आर फैमिली, अहलुल बैत इज आर फैमिली, वी हैव टू सैक्रीफाइस एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर देम। अगर जान पे कोई बात आती है तो आप झूठ बोलो, आप कुछ भी करो, बट जान बचाना वाजिब है। लेकिन अगर दीन पे अहलुल बैत के नुसरत के लिए कोई बात आती है तो जान देना वाजिब है। ये बात याद रखिए, जान देना वाजिब है, बट इमाम हुसैन ने इन्हें ऑप्शन दिया था कि आप चले जाओ, मैं आपको जन्नत देता हूँ चले जाओ, फिर भी ये लोग नहीं गए। दे डिडंट वॉन्टेड जन्नत, दे वॉन्टेड द इश्क ऑफ इमाम हुसैन, दे वॉन्टेड द रजा ऑफ इमाम हुसैन। हर चीज अगर हम करें कि हमें जन्नत मिले, हमें जहन्नम मिले, नो, कोई चीज़ें रजा के लिए की जाती है कि बस इमाम राजी हो जाए, इमाम खुश हो जाए। सो आज से हम डिसाइड करते हैं कि हम कुछ भी चीज़ करेंगे ये सोच के कि क्या इस चीज़ से मेरा इमाम राजी होगा या नहीं होगा, क्या इस चीज़ से मेरा इमाम नाराज़ होगा या राजी होगा। तो आज से हम एक प्रॉमिस करते हैं कि आज से हम कोई भी काम करेंगे, हम ये सोचेंगे क्या ये काम मेरे इमाम को पसंद होगा या नहीं होगा, क्या मेरे इमाम इससे राजी होंगे या नहीं होंगे। हम हर चीज़ के पहले अगर ये सोचेंगे तो जस्ट सी आपकी लाइफ कितनी चेंज होती है। एक हफ्ता ये करो एंड व्हेन वी विल मीट ऑन नेक्स्ट सैटरडे, आप मुझे बताओ कि आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हुआ है। सो टिल नेक्स्ट सैटरडे मैं आपसे रजा लेना चाहता हूँ नाजरीन। वील एंड दिस एपिसोड फॉर टुडे। इंशाल्लाह एंड में हम ज़ियारत आशूरा से एंड करेंगे हमारा लेक्चर, हमारा सीरीज। ऑल्सो नेक्स्ट लेक्चर में आपको किस शहीद की लाइफ हिस्ट्री देखनी है, सो हम इंशाल्लाह उस पर पूरा रिसर्च करेंगे एंड वी विल प्रेजेंट दैट एपिसोड टू यू इन द नेक्स्ट वीक। प्लीज़ नीचे कमेंट्स में बताओ कि आपको किस शहीद की लाइफ हिस्ट्री देखनी है। मैं आपको इस चैनल को लाइक करने, सब्सक्राइब करने कुछ नहीं कहूँगा, बस इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक शहीदों की लाइफ हिस्ट्री पहुँचे। ऐसे शहीदों की लाइफ हिस्ट्री जिसके बारे में लोग नहीं जानते, लोगों को हिस्ट्री नहीं पता है, बस ये नाम जानते हैं वहाबे कलबी, बट ये वहाबे कलबी कैसे बने, ये जनाबे वहाबे कलबी कैसे बने, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो टर्निंग पॉइंट इनका लाइफ का। सो इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक लाइफ हिस्ट्री ऑफ ऑल दी शहीद पहुँचे। हम सैटरडे को वापस इसी चैनल पे इसी टाइम पे आएंगे। ठीक है नाज़रीन, मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। फी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज़। लब्बैक या हुसैन। First of all, I would like to thank you most cordially for your kind hospitality here. And we are delighted to see you here from Qom and brother from Mashhad and other parts of Iran walking together towards Karbala. And as we draw nearer to Karbala, enthusiasm is growing, excitement is growing, and we are delighted to be able to be a part of this fascinating walk, which brings people from different parts of the world, Christians and Muslims, particularly obviously majority Shias, but people of different faiths are joining you up to celebrate along with you the victory. Yes, we are mourning the death of Imam Hussein, but beyond this death there is a victory. The fact that all of us are here is a sign that he was a victor. He managed to accomplish his mission even after his death. He is a symbol for us, for justice,
for fairness, for love, and in this world which is divided by fear and hatred, he's becoming particularly important because he's bringing all of us together to heal all the wounds and pains we have afflicted to each other. And therefore, for me as a Christian, as a bishop, it's enormous joy to be here with you, a part of this walk, and enjoy fellowship, kindness of people who give their kindness in love, in care, in food and support. And it is a feeling that this care for each other, which is a symbol of Arbain, should be seen as something we need to learn not only during the Arbain, but beyond the Arbain. Not only in Iraq, between Karbala and Najaf, Najaf and Karbala, but in our lives every day and all day. There are so many people who have actually the opportunity to be here on this walk of Arbain, but there are many more who couldn't be here. So what's your message to them? Come. Yeah. Come? Yeah. Thank you. This is, can be as simple as that. Yeah. I think the more people experience Arbain, this world will be safer, more pleasant, more peaceful. Okay, thank you. And what message do you have to our Christian brothers about this walk? Okay, so what do you want to say to them about this walk? Well, this what I have just said includes Christians, first of all, because Christians, and not only Christians, Jews, yeah, and Hindus and Buddhists, people of faith or none, all should be welcomed in this place to experience care and love among human beings. Okay, thank you. And I will have my last question actually. So you see this walk of Arbain as a sign of peace, right? It is. Yeah. So is there anything else you want to add about this walk of Arbain, about the culture here? The culture of hospitality and love is indeed overwhelming, impressive, fascinating. And I'm very proud that this culture of hospitality has been expressed by members of Abrahamic faith tradition in Shia community. Majority of the hosts are Shias. They are bringing signs of their love in food and care and support to all the pilgrims, regardless who they are. Yeah. Thank you for answering. Assalamu alaikum.